बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो आप सबको हमारी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। तो ईद का पहला दिन हो और मीठा ना हो तो ये तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मुलायम, स्वीट और यमी सी ठंडी मीठी फिरनी। बहुत खालिस दूध से हमने बनानी है फिरनी, बहुत ही गाढ़ी और खालिस दूध से बहुत ही ज़बरदस्त इसका आला टेस्ट आता है। हर एक ने आपकी तारीफ़ करनी है। सुबह सुबह ईद के पहले दिन आप सवियाँ वगैरह बनाते हैं, आप ये बना के हर एक को ठंडी ठंडी सर्व कर सकते हैं, हर एक को बहुत पसंद आएगी। और बहुत ही आसान तरीका है कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो ये गाढ़ी और ज़बरदस्त सी खालिस सी बनती है, ठीक है, क्रीमी क्रीमी बनेगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और पूरी देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरनी बनाने के लिए 5 किलो दूध आपने ले लेना है। पूरी फैमिली के लिए हम बना रहे हैं इसलिए 5 किलो की बनाएंगे। इसको हमने दूध को गर्म होने चूल्हे पे रख देना है। दूसरी तरफ आपको चाहिए होगा, यहाँ पे हमारे पास चीनी है, चीनी मोटी हो बारीक हो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास तकरीबन 2 कप है। इलायची पाउडर आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 चम्मच, ये हमने खुद अभी अभी घर पर बनाया है। उसके अलावा आपको चाहिए होंगे चावल तकरीबन 1 कप, जिनको हमने 2 कप पानी में भिगो के रख दिया था, ठीक है जी, तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है चावलों को। दूध एक तरफ गर्म हो रहा है, जब तक उसमें बॉईल आता है तब तक हम जो है वो चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि फिरनी के अंदर चावल जो है वो ग्राइंड हुए हुए डलते हैं। तो ये जो चावल हैं इनको हमने पानी समेत ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब ग्राइंड ये नहीं करना कि हम इसका पेस्ट बना लेना है, पेस्ट नहीं, बस इसको दरदरा पीस लेना है कि चावल के जो दाने हैं वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाए लेकिन पेस्ट ना बने, ठीक है जी। ये इस तरह की फॉर्म पे आ गए हैं, झागियों पर आ गई हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गए। दूसरी तरफ दूध को हम देख लेते हैं। 5 किलो दूध हमने चूल्हे पर रखा हुआ था, उसमें उबाल आ गया। अब हम चूल्हे को थोड़ा सा ना, मतलब कि हाँ, आँच जो है उसकी हल्की कर देते हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे चावल जो अभी अभी हमने ग्राइंड किए, और चावल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें दोबारा से जब तक बॉईल नहीं आ जाता, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, जब बॉईल आना शुरू हो जाए तब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम यानी कि बॉईल आने देते हैं। हल्की आंच पे ये उबलता रहेगा, ठीक है जी, इसमें बॉईल आ जाए तब तक चावल भी इसमें गल जाएंगे। अब जो है दूसरी तरफ हम यहाँ पर काट लेते हैं कोकोनट। जब तक उसमें उबाल आता है तब तक हमने कोकोनट एक जगह क्रश किए, एक जगह हाथ से काटे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, हाथ से हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए और दूसरी तरफ हमने क्रश कर लिया। तो सबसे पहले वो हमारे कोकोनट रेडी हो गए हैं, दूध जो है उसमें बॉईल आ गए हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1/2 चम्मच से भी कम इलायची पाउडर, सब्ज़ इलायची का, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें। उसके अलावा जो अभी अभी हमने कोकोनट काटे हैं हाथ से छोटे छोटे पीसेस में, वो इसमें शामिल करेंगे। अब इसके बाद अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इलायची पाउडर से इसके अंदर। और उसके अलावा इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट, जिसको हमने अच्छे से क्रश कर लिया था। कोकोनट और इलायची पाउडर को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जब इसमें दोबारा से बॉईल आ जाएगा तब आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है और लो फ्लेम पे आपने इसको आधे घंटे के लिए बॉईल होने रख देना है, ठीक है। तो मिलते हैं आधे घंटे बाद। तो देखिए जी, आधा घंटा हो चुका है और इसमें जो है हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए उबलता रहा था। अब ये नहीं कि आधे घंटे में आपने छोड़ ही देना है, आधे घंटे के दौरान थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने यहाँ पे चम्मच चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो आधा घंटा देखिए हो चुका है, चावल अच्छे से गल चुके हैं और ये थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर थिक भी लग रहा होगा, यानी कि गाढ़ी होने शुरू हो गई है हमारी फिरनी। अब इस पॉइंट पर हम इसमें क्या चीज़ें ऐड करते हैं आपको बताते हैं। जब ये यहाँ पर इस कंसिस्टेंसी में आ जाए और आधा घंटा हो जाए तब आपने इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देनी है चीनी तकरीबन 2 कप। ये हमने 2.5 कप नाप के रखी है लेकिन हम इसमें 2 कप डालेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप 2.5 कप ऐड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हमने डाली है 2 कप चीनी। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। हस्बे पसंद आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हस्बे बर्दाश्त, ठीक है जी। अब इसको हम अच्छे से कर लेते हैं जी मिक्स। ये देखें, मतलब बिल्कुल भी आपने इसे नीचे नहीं लगने देना है। और ये दूध जो है ये डब्बे वाला बिल्कुल भी नहीं है, फ्रेश मिल्क जो है ये खालिस दूध, उससे हम बना रहे हैं। ज़बरदस्ती ये इतनी क्रीमी बनेगी क्रीम की बगैर, ठीक है, इतनी क्रीमी और ज़बरदस्ती रवायती स्टाइल में बनेगी। अब देखें इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब हम चीनी डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हमने यहाँ पे कुक करना है, मुसलसल चम्मच चलाते हुए तेज़ आंच पे इसको हमने 10 मिनट के लिए कुक करना है। चीनी डालने के बाद 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब हम चूल्हे को कर देते हैं बंद और हमारी ज़बरदस्त सी फिरनी बिल्कुल तैयार हो गई है। ठंडा जब ये हो जाए, ठंडी पंखे के नीचे रख दीजिएगा, जब ये ठंडी हो जाए तब आप इसको डिश आउट करें। अब देखिए हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल ठंडी हो गई थी, इसको हमने यहाँ पे जो है वो डिश आउट कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ी क्रीमी और बहुत ही खुशबूदार हमारी ये ज़बरदस्त सी फिरनी बन के तैयार हुई है। और अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। गार्निशिंग के लिए हमने क्या चीज़ें काटी हैं,
कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। वैसे अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट से लुक बहुत अच्छी आती है। पिस्ता लिया जिसको हमने बारीक काट लिया, किशमिश बारीक कटे हुए, थोड़े से बादाम। अब हमने इन सब चीज़ों को इस पे गार्निश कर लिया और ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी ये फिरनी। इतना प्यारी इसकी गार्निशिंग हुई है, मतलब कि इतना अच्छा इसका कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मलाई खीर क्रीम जैसे, बिल्कुल नरमो मुलायम हमारी ये मज़ेदार से फिरनी बन के तैयार हुई है। इसको हमने फ्रिज में रख दिया था और जब ये ठंडी हो गई है तब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो अब हमसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा, इसको जल्दी जल्दी प्लेट में डालेंगे। और ये देखें कितनी मुलायम है माशाल्लाह से, ये देखें कितनी मुलायम सॉफ्ट और यमी लग रही है दिखने में। और इसको टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मुलायम यमी और बहुत शानदार बन के तैयार हुई है। यानी कि आप खाएंगे मतलब कमाल ही हो गया, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। आप लोग ईद पे ये ज़बरदस्त सी मुलायम सी मज़ेदार सी ये फिरनी बनाकर तैयार करें, हर एक ने आपकी तारीफ़ करनी है। और इसका टेस्ट बहुत ही यमी, सिर्फ उन चीज़ों से बनी है जो कि घर में इजीली आपको अवेलेबल होंगी। हमने 5 किलो की बनाई है, आप इससे कम की भी बना सकते हैं, ठीक है जी। हमने पूरी फैमिली के लिए बनाई थी इसलिए हमने ज़्यादा बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट, झटपट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ईद के दिन सुबह सुबह नाश्ते में सेवैयां लोग खाते हैं, आप ये फिरनी बना के तैयार कर लें रात को और फ्रिज में रख दीजिए, सुबह आप खा सकते हैं इजीली। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये फिरनी को, बहुत मज़े का मतलब कमाल ही हो गया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक का बटन प्रेस करें, लाइक करें अभी, शेयर का बटन प्रेस करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी ईद के दिन ये ज़बरदस्ती फिरनी बनाएं। तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सकेंगे। तो बेल का आइकॉन लास्ट में प्रेस कीजिएगा। तो इसी तरह की मज़ेदार और यमी रेसिपीज़ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।